हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इकबाल, देख रहे हैं शब 21। खुश आमदीद कहते हैं, और बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी अपने पैगाम, अपने मैसेजेस हम तक पहुँचाए कि देसी खानों में पुलाव बनता है, लेकिन उसकी और ज़्यादा वैरायटी ज़रूर पेश की जाए। तो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की फरमाइश भी आज हम ज़बरदस्त मज़े का बहुत ही खास पुलाव बना रहे हैं, लेकिन डिफरेंस आए मुर्ग आज शेयर कर रहे हैं जी। मुर्ग हरियाली पुलाव, ठीक है, मुर्ग हरियाली पुलाव यानी कि ग्रीन पुलाव बनेगा। और उसके साथ और चीज़ दोस्त ये भी कह रहे थे कि बैंगन की जितनी जिस तरह वैरायटी हम पाकिस्तान में या इंडिया में बनती हैं, तो बाहर अंग्रेजी स्टाइल में बनाते हैं, लेकिन उपचारण देसी अंदाज में। तो आज बैंगन का एक मज़ेदार चटनी कहें, रायता कहें, शेयर करेंगे, जिसे ओवन में बेक करेंगे, इजीली होगा तैयार, जिसे आप पुलाव के साथ, बिरयानी के साथ, या एज इट इज़ सुबह सवेरे आप पराठे के साथ, चपाती के साथ भी आप खा के अपना गुजारा कर सकते हैं। तो आज ये दो रेसिपीज होंगी तैयार। तो सबसे पहले चूल्हा जला लेते हैं, ये ज़रूरी भी होता है। अगर फ़र्ज़ कीजिए अगर आपका बर्तन हल्का सा गीला भी हो, ज़रा मॉइस्चराइज़र हो, तो चूल्हे पर रखें और आग जला दें, ताकि जो मॉइस्चराइज़र जैसे ख़त्म होगा, बैक्टीरिया सभी आग में ख़त्म हो जाते हैं। तो ज़रा ऐसा ना करें कि ठंडे बर्तन में डायरेक्टली ऑयल डाल दिया, प्याज डाल दी, ये डाल दिया और बाकी चीज़ें, इसे ज़रा गर्म होने दें, ताकि मॉइस्चराइज़र भी ख़त्म हो, बैक्टीरिया सब ख़त्म हो जाए। ठीक है, जब तक ये हमारा पोट हो रहा है गर्म, तब तक हम ज़रा बाकी चीज़ें भी काटते हैं। मुर्ग मौजूद है और चीज़ में भी इस तरह के मुर्ग मिल जाती है, देसी भी मुर्ग है मेरे ख्याल से, बाहर भी अपने अपने अंदाज में अच्छी मिल जाती है। तो मुर्ग है जी आधा किलो, पुलाव में हड्डी वाली ही शामिल करनी चाहिए, क्योंकि इसका फ्लेवर ज़रा स्ट्रॉन्ग होता है, मज़े का होता है, जूसी बनता है और ज़रा डिफरेंट बनता है एट द सेम टाइम। अच्छा, यहाँ पर चावल मौजूद हैं, देखिए, जिसे हमने पानी के अंदर सोख करके रखा है। ठीक है जी, पानी के अंदर चावल को सोख करके रखा है, सैला राइस है काफ़ी देर तक। दही मौजूद है, फ्रेश योगर्ट, लहसुन अदरक पिसा हुआ, साबित गर्म मसाला एज यूजुअल, जिस तरह पुलाव में डलता है, सौंफ शामिल करना है। अच्छा, गर्म मसाला अगर आपने पाउडर ऐड किया तो आपकी डिश ख़राब हो जाएगी, कलर ग्रीन नहीं रहेगा। सॉल्ट, सफ़ेद मिर्च और हरियाली पुलाव है, तो इसमें जो ग्रीनरी के लिए धनिया पुदीना मिर्च को हम ज़रा पीस कर शामिल करना। और कल का आपको हलवा बहुत पसंद आया सबको, चने का, तो उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं प्रोसेस की जानिब। पोट हमारा हो चुका है गर्म, तो इसमें ऐड करते हैं कुकिंग ऑयल, और इसकी जो आवाज़ शायद आप फील कर पा रहे हो, कितना मज़े का लग रहा होता है जब मौसम बदल रहा हो, ये टाइम हो, इस टाइम जो किचन में खाना बन रहा हो और अपनों के लिए कुछ खास बने, तो उसका और अलग ही मज़ा होता है। ठीक है जी, तो यहाँ दो अदद प्याज भी हैं। अच्छा, बैंगन अवन की तरफ भी हम कुछ देर में चलते हैं, ज़रा हम चाह रहे हैं ज़रा इसके प्रोसेस को शुरू कर लें, उसके बाद अवन की तरफ हम जाते हैं। अनियन की दो पीस किए, रेड अनियन, और फैक्ट्स ये बताते हैं कि जनाब प्याज के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, चाहे मौसम बदल रहा हो, लोग बीमार हो रहे हैं, उसमें प्याज का फ़ायदा, बहुत सी और बीमारियां उसमें प्याज आपकी बॉडी में जाके मुकाबला करती है। ठीक है जी, और ये बात तो बिल्कुल सच हो चुका है जी, आपको वज़न कम करना हो, आपको वज़न में इजाफा करना हो, आपको मसल्स बनाने हो, बॉडी का कोई पार्ट आपका कमज़ोर, उसे सेट करना हो, तो हर चीज़ में फूड ही आपकी बेहतरीन रहनुमाई करता है जी, बिल्कुल। और जो जो लोग मौजूद हैं, अपने अपने दिलों की आवाज़ हम तक पहुंचा रहे हैं, शुक्रिया। इसी के अंदर जी हमारे मुर्ग हरियाली पुलाव के लिए प्याज ऑयल के हवाले,
बस इतना ख्याल रखिएगा कि हल्का सा ग्रीन टच है, क्योंकि इसमें हम कोई फूड कलर नहीं कर रहे। धनिया पुदीना मिर्च इसका वो टेक्सचर आएगा, बट एट द सेम टाइम एक और ख्याल रखिएगा, गुजारिश है आपसे कि इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन ना कीजिएगा, बट लाइट ब्राउन होने लगे प्याज उसके बाद बाकी दीगर अज्जा हमने ऐड करना है, तो ज़रा इसे ला लीजिए। और ओवरसीज़ दोस्तों में इस तरह कुलसुम ने और फातिमा ने हमसे पूछा था, US से आपके मैसेज आए थे, ठीक है, तो उनका कहना था कि प्याज हमारी ब्राउन, इसके अलावा कुछ कहा था देसी फूड के हवाले से। तो आई थिंक फातिमा और आप जितने लोग हैं ट्राई करते रहें इंशाल्लाह और अच्छा हो जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं प्याज हमारी ब्राउन होने के बाद ब्लैक होने लगती, तो हल्का सा नमक ऐड कीजिए, इससे क्या काली नहीं होगी, और ये सिलसिला इसका जारी है। ठीक है जी, जब तक इसका प्रोसेस जारी लगे हाथ ओवन की जानिब भी चलते हैं। बैंगन का हमने आज एक रायता बना रहे हैं हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए, सभी दोस्तों के लिए, तो उसके लिए इतने ज़्यादा मेहनत नहीं, लेकिन ज़रा सा आइडिया है जिससे ज़रा अच्छा हो जाएगा। तो जनाब यहाँ ओवन बेकिंग ट्रे के अंदर हमने ज़रा सा ऑयल ऐड किया, 1 से 2 चम्मच काफ़ी है। बैंगन मौजूद है हमारे पास 2 अदद, ठीक है जी, और ये देखिए इस तरह इस तरह से इसके पीस करने हैं। ठीक है जी, प्याज भी देखते रहेंगे और इस तरह से आपने बैंगन को जरा काट लेना है। ठीक है जी, बस प्याज हिलाते रहिएगा, और ये बैंगन काटने के बाद हमने इस तरह बेकिंग ट्रे के अंदर रखा सिंपली। इसी के अंदर हल्का सा मिलाया आपने सॉल्ट, हल्का सा 1/2 चम्मच लहसुन अदरक, 2 चम्मच कुकिंग ऑयल, ज़रा सा सफ़ेद ज़ीरा, ज़रा सी सफ़ेद मिर्च, और से आपने जी बिल्कुल टॉस किया, और इसे लेकर चलते हैं ओवन की जानिब। इससे बेहतरीन सैलड बना सकते हैं, रायता और काफ़ी वेजिटेबल में भी अपना आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो ओवन की जानिब और बैंगन को इस तरह रखना है जी। ठीक है जी, कर दी हमने ओवन की हवाले। अब पुलाव के लिए ले प्याज हमारा ब्राउन हुआ, उसके बाद अब याद रहे वन मोर टाइम, ये ग्रीन पुलाव बन रहा है अब मुर्ग हरियाली पुलाव। बहुत से लोग कहते हैं मुर्ग हमारी लाल हो रही होती है जब हम लाते हैं, तो हल्का सा सरगे से या नींबू से धो लीजिए, पानी के अंदर रखें, उसमें हम मिला लें, तो चिकन आपकी साफ़ हो जाएगी। तो सभी मुर्ग हम ऐड करें जी, सर्दियों में बहुत मज़ा आता है, सर्दियों में बहुत मज़ा आता है इस तरह की चीज़ें इंजॉय करने का। ठीक है जी, तो ये बस सिलसिला जारी, और कुछ देर में कॉल्स लेंगे, आपकी पार्टिसिपेशन रहेगी। ग्रीन स्पाइसेस को पीसना है, चावल ऐड करने हैं, पुलाव बनना है जी, 1/2 किलो चावल, 1/2 किलो मुर्ग, तो कितना बनेगा पुलाव कितने अफराद के लिए, देखिए इसके साथ ही ज़रा अदरक लहसुन पिसा हुआ,
से 3 चम्मच। क्विकली हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं ऑयल हमारा रेडी था। तो इसके साथ ही हमने ज़रा ग्रीन हमारा स्पाइसेस भी पीस लेना है। फिर चूल्हा बल्कि कम ही रखिएगा। ठीक है जी, चूल्हा बहुत ही कम कर लेंगे ताकि नॉर्मल, ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये कुक होता रहे और हम ज़रा ग्रीन की तैयारी कर लें। लगभग हाफ बंच पुदीने का, पुदीने के पत्ते, और ये देखिए फ्रेश ग्रीनरी धनिया ज़रा चॉप कर लेते हैं ताकि मशीन में आसानी से पिस सकें। ये भी धनिया के साथ हमने शामिल किया। बहुत ज़्यादा मिर्ची वो तो नहीं, लेकिन इसी के अंदर आप ग्रीन चिली शामिल कर लें जितना आपको स्पाइसी पसंद हो। और मौजूद है हमारे साथ पहले मेहमान, कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सना, इतनी आवाज लेट क्यों आ रही है? मुझे सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही आवाज? हेलो सर, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, अब आ रही आवाज? सर मुझे आपकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, नहीं सर अभी भी नहीं आ रही सर। अच्छा जी, दानियल भी आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही। अब आ रही आवाज? हेलो हेलो, अब आ रही आवाज? चले बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये धनिया पुदीना मिर्च के साथ ही ये ज़रा से ऐड करते हैं, फ्रेश योगर्ट दही ऐड करते हैं। ठीक है जी, इसके साथ ही शामिल किया ये दही भी ऐड किया, धनिया पुदीना मिर्च के बाद करते से बंद और इसे अच्छी तरह से पीस लेना है। पुदीने के स्टिक्स नजर आ रही है, देख लेते हैं। जरा सा पानी भी, लेकिन बहुत कम, 1 से 2 चम्मच, इतना पानी की अच्छी तरह डिजोल्व होके पीस जाए। ठीक है जी, प्याज, अदरक लहसुन, मुर्ग के बाद कुछ स्पाइसेस भी शामिल करते हैं। साबित गरम मसाला, तेज पत्ता ऐड किया, और बाकी ये सौंफ, जीरा, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, ये सब कुछ ऐड किया। ज़रा सा सौंफ भी मज़ीद ऐड कर रहे हैं। ठीक है जी, और शामिल करते हैं एक और स्पाइसी, सफ़ेद मिर्च 1/2 चम्मच, सॉल्ट हसबे ज़ायका या 1 चम्मच। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सना, आवाज़ आ रही है आपको? जी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो, कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। खरीद सर बहुत हल्की आ रही है। अच्छा चलिए, आवाज़ तो आ रही है ना, क्या कहेंगी आप? जुम्मा मुबारक हो सर आपको। खैर मुबारक, बस दुआ में याद रखिए। आपके प्रोग्राम की तारीफ करूँगी सर, वो ज़बरदस्त जा रहा है। कल आपने जो अचार गोश्त बनाया था और चने का हलवा, लाजवाब बना था वो ना। वाकई मैंने देखा था, खैर अभी मैंने ट्राई नहीं करा, लेकिन देखा था, बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। सना हलवा जरूर ट्राई कीजिएगा, हमने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ यहाँ स्टूडियो में एंजॉय किया। लोबिया कीमा ट्राई करा था, वो बहुत टेस्टी बना, बहुत मजे का बना। मैं यही कहूँगी जिसने ये रेसिपी नोट करी है, प्लीज जरूर बनाए वो,
कौन बहुत सी मजे डिश? का बना, वो लोबिया कीमा, वो ट्राई लोबिया करना कीमा? कभी। क्या बात, क्या तो चपाती के साथ आपने खाया है या फिर? सर आज दोस्त की तरह माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रहे हैं। आज आपने कोई सवाल नहीं पूछा? आज ऐसे कोई सवाल तो नहीं है, लेकिन आप आज आपके मेन्यू में क्या बनने जा रहा है? थैंक यू सर। सर आज मैंने आज अंडे छोले बनाए, आपकी रेसिपी है, मैं बनाती रहती हूँ। क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू सर ना, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बहुत ज़्यादा से नहीं पीसना, ये ग्रीन जो हमारा ग्रीन मसाला स्पाइसेस है ये इसी के अंदर ऐड करते हैं जी। ठीक है जी, पीस कर ऐड करते हैं मुर्ग के अंदर में। एक मुख्तसर से वक्फे के जाने उसके बाद इंशाअल्लाह ये देखिए कितना ज़बरदस्त शाही पुलाव एक तरह से कहेंगे, ग्रीन और अच्छा लग रहा है। वक्फे के बाद आपसे मुलाकात करते हैं, कुछ कॉल्स लेंगे, बैंगन का रायता और इस बदलते हुए मौसम में आज भी मुर्ग हरियाली पुलाव भी इंजॉय कर रहे हैं, तो वक्फे के बाद मुलाकात करते हैं आपसे। वेलकम बैक टू आवर शो, खुश आमदीद। और हमारा पुलाव ग्रीन पुलाव बना रहे हैं जी आज के दिन इस बदलते हुए पाकिस्तान के मौसम में, और देखिए मज़े का जी। ठीक है जी, और जितने लोग मौजूद हैं ओवरसीज पाकिस्तानी कराची से फहाद भाई, जितने लोग मौजूद हैं ख़वातीन, आप सबका बहुत शुक्रिया। इस पॉइंट पर ज़रा सामने अब इसके ज़रा दम के जानिब भी चलते हैं, पर एक चीज़ कीजिएगा, एक अदद शिमला मिर्चे इसको रफ इस तरह से काट लिया, चार छः पीस की आधी शिमला मिर्च, और ये भी इस पुलाव में आप ज़रूर शामिल कीजिएगा। देखें ऐड किया आप, ठीक है जी। तो ये शिमला मिर्च भी हमने हवाले की, ये देखें राइस के पुलाव, चूल्हा बहुत कम किया, साथ ही ये चावल जो हमारे पास मौजूद हैं पानी के अंदर सोक, ये ऐड करते हैं इसी के अंदर। अच्छा बहुत ज़्यादा देर हमने इसको पानी में सोख रखा है, इसलिए देखें काफ़ी फूल भी रहे हैं, और इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा हमने पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी शायद। ज़रा से इसे मिक्स करते हैं और लाइव कॉलर ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साथ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरे कानों में रेडी बोलिए, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही। अब आ रही आवाज़? चले ठीक है जी। अच्छा इसमें ज़रा सा पानी ऐड करते हैं, नॉर्मली ज़्यादा ऐड करते हैं लेकिन क्योंकि इसमें ठीक है पानी ऑलरेडी काफ़ी ऐड किया तो इतना ज़्यादा ऐड ना कीजिएगा, इंशाल्लाह ऐसे में ये हो जाएगा। ब्रिंजल्स बैंगन कहाँ तक पहुँचे, और कुछ देर से ज़रा कवर कर लेते हैं। कलर ज़रा देखिए कितना उम्दा अच्छा है, बॉल दो हमने कोई ना ग्रीन कलर ऐड किया ना कोई आर्टिफिशियल चीज़ ऐड की है। ठीक है जी, इसके साथ ही ज़रा बैंगन देख लेते हैं कि ब्रिंजल्स हमारे बैंगन कहाँ तक पहुँचे, उसका फ्लेवर टेक्सचर। तो अवन की जानिब चलते हैं, धीमी आँच पे इसे ज़रा रखिएगा, बल्कि नॉर्मल आँच पे, मीडियम आँच पे। तो चलते हैं अवन की जानिब।
ये देख रहे हैं बैंगन का कितना जबरदस्त कलर आता जा रहा है। जरा सा और से ब्राउन कीजिए। ठीक है जी, तो इस तरह से सिलसिला बिल्कुल जारी है। और ज़रा सा हमने बैंगन का चलिए एक तरह से रायता बनाएंगे। और वक्त आई डोंट नो कितना हमारे पास है, लेकिन जितना भी टाइम है इसमें इंशाल्लाह मज़े का होगा फूड तैयार। तो एक रायता बना रहे हैं, रायता सैलड, जिसमें ब्रिंजल्स भी ऐड करेंगे। बैंगन ज़रूर खाने चाहिए, स्पेशली सर्दियों में, क्योंकि गर्म होते हैं, फ़ायदे बहुत ज़्यादा, वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। ठीक, तो इसे ज़रा हल्का सा इसे आपने मिक्स किया। ठीक है जी, और इस विलमैक्स के बाउल में ऐड करते हैं जी। ठीक है जी, तो इस तरह इसको आप जारी रखें। और ज़रा सी शिमला मिर्च हमारे पास मौजूद है इतना हिस्सा, तो इसको ज़रा ओवन में, इस एक फ्राइंग पैन के अंदर ज़रा इसको हल्का सा टोस्ट कर लेते हैं, हल्का सा, एक से दो ड्रॉप ऑयल के। अच्छा, दही के साथ ही मिला लेते हैं हम सफ़ेद ज़ीरा हल्का सा, सफ़ेद मिर्च, नमक, बंद गोभी, कैबेज को चॉप करना है, इतनी सी कैबेज है। रखा और इस तरह चॉप्ड कर लीजिएगा। इसी दही के अंदर हमने मिलाया और बाकी कैबेज के फायदे, दही के फायदे, क्योंकि दही दूध से होता है तैयार, चाहे शिमला मिर्च हो, बैंगन हो, तो सब कुछ बहुत हेल्दी है। ठीक है, जो कल हमारे जिम ट्रेनर से बात हो रही थी, कुछ डॉक्टर्स थे, सभी ने बात की कि चाहे मसल्स डेवलप करने हो, वेट लूज़ करना हो, वेट में इजाफा करना हो, हर चीज़ का मुकाबला फूड से करते हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ये जरा राइस भी हमारे, एक बात कहूँगा आपसे तो वो ये होगी कि पुलाव आज का बहुत मज़े का बनने वाला है। इधर देखिए ग्रीनरी, इसमें हमने जो तेज़ी ला रहे हैं ये पुलाव के अंदर, ये कोई मिर्चों से नहीं ला रहे, धनिया पुदीना और ग्रीन चिली ऐड की थी, उसी से इसकी तेज़ी और मज़े का फ्लेवर होगा तैयार। अच्छा, मिर्चे सरमद ने पूछा क्या मटन में बना सकते हैं, क्या बीफ में बना सकते हैं, तो जवाब है बिल्कुल, डेफिनेटली आप मटन या बीफ में भी बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ठीक है, कुछ देर मज़ीद दम पे रखेंगे ताकि बिल्कुल ज़बरदस्त हमारा। ठीक है, वक्त बहुत कम है जी, तो बस ये हमारा ये कैप्सिकम भी ज़रा कलर आया। ठीक है जी, हल्का सा ये ब्राउन होने के बाद देख रहे हैं शिमला मिर्च को, लास्ट 3 मिनट बाकी हैं, उसके बाद फाइनलाइज आपसे इजाज़त लेंगे। और शिमला मिर्च को ज़रा से कलर ला रहे हैं जी। अच्छा, साथ ही एक अदर टमाटर भी ऐड कर रहे हैं जी, इसको भी स्लाइस किया, ये भी ऐड किया इसी के अंदर, हल्का सा 1 चम्मच ऑयल। और ज़रा से ठीक है जी, बहुत मोहब्बत प्यार से मिक्सड वेल। और ये मिक्स करने के बाद जो दही और ये रायता था इसी के अंदर ऐड करते हैं जी, लेकिन पहले बैंगन निकाल देते हैं, निकाल लें। अवन की जानिब
और ये ब्रिंजल्स बैंगन हमने निकाले, जबरदस्त खुशबू बहुत आलम। ठीक है जी, तो इसके अंदर ये दही भी मिला लेते हैं, ज़रा सा मिक्स किया। चूल्हा बेशक कीजिए बंद, स्पाइसेस ऑलरेडी थे, और इसे ज़रा इस तरह के ज़रा डीप फ्राइडर में निकाल देंगे जी। और ये बैंगन जो हमने अवन के अंदर बेक किए थे, ये आखिर में इसके ऊपर इस तरह से फैला लीजिएगा मोहब्बत से, प्यार से। तो देखिए ठीक है जी, वक्त कम है, प्लेटर और ज़रा देख लेते हैं हमारा राइस पुलाव कहाँ तक पहुँचे। कवर हटाते हैं जी, इजाज़त है। ठीक है जी, वाइट प्लेटर में इंशाल्लाह स्किन प्रेजेंटेशन, कवर हटाया और लुक एट दिस, ज़बरदस्त देख रहे हैं, चावल बिल्कुल सॉफ्ट। ठीक है, बहुत से लोग इतने पुलाव में चावल हमारा दानेदार और ड्राई हो चुका था, देखिए बिल्कुल ही सॉफ्ट है, से निकाल लेते हैं। और चावल जरा देखिए, मोर्ग ग्रीन पुलाव, एक मजे की रेसिपी हो चुकी है तैयार। और देखिए लेग भी बिल्कुल मज़े की, ठीक है जी। तो वक्त इतना ज़्यादा नहीं है जी, प्रेजेंटेशन की जानिब चलते हैं। और ये ज़बरदस्त ये बोटी एक और रेड की, और से ले आते हैं यहाँ। ठीक है जी, तो वैसे ही ऑलरेडी इतना ग्रीन है तो हल्का सा लेमन भी ऐड कर सकते हैं चाहें तो। बल्कि ज़रा सी कैबेज इस तरह स्प्रिंकल कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो दोनों चीज़ें हो चुकी हैं तैयार, ज़रूर ट्राई कीजिए। और आपसे लेते हैं इजाज़त, इसी तरह सिलसिला होता है, इसी तरह चलता है। ठीक है जी, तो हमारा आज ये बैंगन वाली रेसिपी और दूसरी रेसिपी भी हो चुकी है तैयार। ज़रा सा बाकी चीज़ों को रिमूव, सफाई डेफिनेटली ज़रूरी है। ठीक है जी, खुश रहें, शादाबाद लें, ज़रूर ट्राई कीजिए। फेसबुक पर शेफ 21 मुझे तलाश कर सकते हैं, शेफ़ इकबाल शाह के नाम से। खुदा हाफिज़।